हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ट्रैक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा डिमांड में कस्टमर के रह रहा है और सबसे ज़्यादा खरीद, अगर बिक्री की बात करें फार्म ट्रक में, तो फार्म ट्रक 50 आज के टाइम पर ज़्यादा कस्टमरों की डिमांड में रहता है ट्रैक्टर। तो शुरू करते हैं भाइयों, इसका पूरा नाम देख लेते हैं, फार्म ट्रक पावर मैक्स के नाम से जो कि यह ट्रैक्टर आता है API में। बात करें इसके HP के, तो इसके देख सकते हैं मड गार्ड पे आपको 50 HP में लिखा हुआ है ट्रैक्टर। वहीं भाइयों, अगर इस ट्रैक्टर की बात करें हम अगले टायर की, तो इसका अगला टायर बड़ा टायर आपको देखने को मिलेगा, 7.5-16 का अगला टायर मिलेगा। वहीं अगर हम पिछले टायर की बात करें, तो यह 14-28 में इसका पिछला टायर आपको देखने को मिलेगा कंपनी की तरफ से, या कंपनी फिटेड बम्पर इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं काफ़ी शानदार लुक के साथ में यह बम्पर साथ में आता है। बात करें अगर इसके अगले एक्सल की, आप देख सकते हैं इस टाइप का इसका अगला एक्सल रहेगा, यह एडजस्टेबल एक्सल है, आप इसको कहीं भी थोड़ा घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, या नट बोल्ट की सहायता से आप इसको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आप रख सकते हैं। भाइयों, ये ट्रैक्टर आपको पावर स्टीयरिंग में और सादा स्टीयरिंग में, दोनों में आपको देखने को मिलेगा ट्रैक्टर। जो भाई किसान भाई हमारे सादा स्टीयरिंग में चलाना चाहते हैं, वो सादा स्टीयरिंग में भी ले सकते हैं, और जो पावर स्टीयरिंग में चलाना चाहते हैं वो पावर स्टीयरिंग में भी यह ट्रैक्टर आपको अवेलेबल मिलेगा। बात करें इसके फ्रंट लाइटिंग की, हैलोजन लाइट की, तो या इसमें बाहर की तरफ आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी, या इसमें अंदर की तरफ ना होकर इस ट्रैक्टर में आपको बाहर की तरफ लाइटिंग कर दी गई है। अब बात करते हैं इसके पंप की, तो भाइयों यह ट्रैक्टर आपको 3 सिलेंडर में देखने को मिलेगा। वही अगर इसके CC की बात करें हम ट्रैक्टर के, तो 3510 CC में यह ट्रैक्टर आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी सही है, इतना होना चाहिए, जो खिंचाई में काफ़ी मदद करता है। अगर इसके पंप की बात करें, तो बॉस का इसमें इनलाइन पंप आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर इस ट्रैक्टर के टोटल हम वजन की बात करें, टोटल वेट की बात करें, तो इस ट्रैक्टर का टोटल वेट 2245 किलोग्राम है, मतलब कि 22.5 क्विंटल के समथिंग इसका टोटल वज़न आपको पड़ेगा, जो कि 50 HP में यह वज़न काफ़ी होता है। वहीं अगर इस ट्रैक्टर के हम टॉर्क की बात करें, जो कि खिंचाई के लिए, तो इसका 228 Nm टॉर्क है, जो काफ़ी अधिक है, 228 Nm। वहीं अगर हम ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें, ज़मीन से नीचे की ऊंचाई, तो उसका 377 mm इसकी ऊंचाई ज़मीन से ग्राउंड क्लीयरेंस पड़ेगी। वहीं इसकी अगर हम ट्रैक्टर की टोटल लंबाई की बात करें, तो 3485 mm इसकी टोटल लंबाई है, और इसकी चौड़ाई 1845 mm इसकी चौड़ाई आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी। भाइयों, इस ट्रैक्टर का जो टर्निंग रेडियस है वो थोड़ा ज़्यादा है, कह सकते हैं हम 6500 mm टर्निंग रेडियस है, जो कि ब्रेक के साथ में, तो थोड़ा सा टर्निंग रेडियस ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी जगह में ये टर्न करेगा। भाइयों, यह ट्रैक्टर आपको सिंगल पीस बोनेट मिलेगा, जो कि काफ़ी आरामदायक है, खोलने में, मेंटेनेंस करने में काफ़ी आरामदायक रहेगा। यह इस टाइप से आपको इसमें इंजन देखने को मिलेगा। अगर इसके एयर क्लीनर की बात करें, तो इसमें ऑयल बाथ वाला आपको मिलेगा, जो कि इसमें नीचे की तरफ ऑयल रहता है, तो यह इसमें एयर क्लीनर ऑयल बाथ टाइप का मिलेगा देखने को। वहीं आप इंजन देख सकते हैं किस टाइप से, आप आगे की तरफ इसमें जाली लगी हुई है, जो धूल और कचड़े को वहीं रोक लेती है। जस्ट आगे रेडिएटर है, रेडिएटर के आगे आपको एयर क्लीनर देखने को मिलेगा। वहीं इस ट्रैक्टर में यह एयर कूल्ड इंजन है, तो कूलेंट के बॉक्स के साथ यह आपको ठंडा, इंजन को ठंडा करने में मदद करता है। वहीं इस ट्रैक्टर के अगर फ्यूल टैंक की बात करें, जो फ्यूल टैंक आगे की तरफ है स्टीयरिंग के नीचे, इसका 60 लीटर का फ्यूल टैंक इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। या आप देख सकते हैं, या स्टीयरिंग ऑयल बॉक्स इसमें इस टाइप से देखने को मिलेगा, स्टीयरिंग ऑयल इसका अलग से ही या कंपनी देती है, और इसमें नीचे की तरफ आपको यह हाइड्रोलिक फिल्टर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, जो कि साइलेंसर के जस्ट नीचे यह हाइड्रोलिक फिल्टर आपको आगे की तरफ रखा हुआ मिलेगा इस ट्रैक्टर में। उसके जस्ट ऊपर ये इंजन ऑयल फिल्टर आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप।
वही अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा इस टाइप से देखने को मिलेगा, जो कि फ्लैट में ना होकर नीचे की तरफ है, या इसका प्लेटफॉर्म ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा जो सिंगल स्टेप के साथ में प्लेटफॉर्म मिलेगा। बात करें इसके सीट की तो इसमें सीट आपको एडजस्टेबल टाइप की सीट मिलेगी, आप कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं सीट को आगे और पीछे की तरफ। वहीं इसकी अगर बात करें हम फॉरवर्ड लीवर की तो इसमें हाई और लो ही आपको देखने को मिलेगा, मीडियम इसमें नहीं दिया हुआ है। 8+2 इसका गियर बॉक्स है। अगर इसके गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें पार्शियल कांस्टेंट मेश टाइप का आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी मजबूत गियर बॉक्स यह रहता है। वहीं अगर हम फॉरवर्ड लीवर की बात करें तो इस टाइप से आपको फॉरवर्ड लीवर मिलेगा, मतलब 8+2 चार हाई और चार लो के और दो रिवर्स के आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपको पीसी और डीसी लीवर इस टाइप से देखने को मिलेगा, पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल वाला लीवर जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लगता है इस टाइप से मिलेगा। वहीं हम बात करें स्टेयरिंग की तो स्टेयरिंग भाइयों बहुत ही छोटा सा काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग इस ट्रैक्टर में दिया गया है और उसका यह अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, छोटा सा है बट काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये ट्रैक्टर आपको 1810 इंजन आरपीएम पर 540 देगा। अगर इसके पीटीओ की बात करें तो इसमें पीटीओ आपको तीन टाइप के मिलेंगे, मल्टी स्पीड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ और लाइव पीटीओ। बैक लाइट इसमें एलईडी टाइप की लाइट मिलेंगी देखने को, जो कि काफ़ी अच्छी एलईडी लाइट मानी जाती हैं। अब इसके हम बैक में देखते हैं, रिवर्स एक्सल की बात करें तो भाइयों रिवर्स एक्सल इसका बहुत ही अच्छा और काफ़ी मजबूत एक्सल जो पहले नहीं था अब आने लगा है। आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट एक्सल दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा हैवी और पूरा ऑयल वाला है। भाई इसमें अगर बात करें हम ब्रेक की तो इसमें ऑयल बाथ टाइप वाले ब्रेक मिलेंगे, OIB ब्रेक मिलेंगे, ऑयल इमर्स ब्रेक आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात इस ट्रैक्टर में की गई है इसमें 3-पॉइंट लिंकेज कर दिया गया है। 3-पॉइंट लिंकेज का मतलब है कि सबसे नीचे की तरफ आपको हार्ड सॉइल में आपको नीचे की तरफ कोई इम्प्लीमेंट रखना है, बीच में आपको मीडियम, ऊपर जो सॉफ्ट सॉइल के लिए ऊपर आपको ऑपरेट करना पड़ेगा ये टॉप लिंक को, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें अगर हिच की बात करें तो कहीं पर भी एडजस्ट आप हिच कर सकते हो ऊपर से नीचे तक। वहीं इसमें एक साइड में लिंक लेवलर लगा हुआ है जो कहीं पर भी लेवल कर सकते हैं, आप दोनों को मिला सकते हैं। अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें ट्रैक्टर की तो 1800 किलोग्राम इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अधिक है 50 HP के ट्रैक्टर में। और इसमें बैक लाइट भी काफ़ी अच्छी है आपको देखने, दोनों तरफ LED लाइट आपको मिलेगी, प्लस 5 साल की वारंटी के साथ यह ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। और सीट के जस्ट पीछे ये बोतल बॉक्स का आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसकी हाइलोजन लाइट आप देख सकते हैं, इसमें ट्रैक्टर में हाइलोजन लाइट भी दी गई होगी जो काफ़ी अच्छी है। तो भाइयों कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।